निकल आए, ये देखें ये ब्लू निकल रहे हैं, पहले मेल में पास्टल ब्लू निकला इस पेर में से। चलें जी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रीडिंग वर्ड फॉर्म्स। अच्छा दोस्तों, एक जो चीज़ आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी है और बड़ा सरप्राइजिंगली वो चीज़ मेरे सामने भी आई। मुझे क्योंकि गोल्डियंस का इतना म्यूटेशन का पता नहीं है, लेकिन उसमें ये हुआ कि कल रात से मैंने काफ़ी रिसर्च की और जो शॉकिंग न्यूज़ आई मेरे पास, चीज़ें जो आई वो ये है। अब देखें इसमें ये चार बेबी निकले हैं गोल्डियन के, और आप देखें तीन येलो है एक वाइट है। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये वाइट कहाँ से आ गया ये वाला जो बच्चा है, और बाकी तो तीनों जो हैं वो येलो हैं, यानी कि वो तो लटीनों के हैं और ये भी अंडा लटीनों का ही है, तो ये वाइट कैसे आ गया। तो कुछ दोस्त वगैरह थे उनसे और कुछ मैंने ग्रुप में फेंकी जो लोग एक्सपर्ट है इसमें, कह लो के गोल्डियन में और उसकी म्यूटेशन में, तो उनसे मैंने पूछा कि यार ये जो मेरे चार लटीनो के माशाल्लाह बच्चे हैं, ये एक ही पेड़ के अंडे थे और तीन तो येलो हैं, दो कह लो के थोड़ा सा मिक्स हैं, कम येलो हैं, एक फुल येलो है बड़ा ये, और दो थोड़े येलो हैं और एक वाइट है, ये क्या सीन है। तो उनमें से एक दोस्त ने बोला कि यार ये आपका जो वाइट है ना ये सिल्वर है, और मज़े की बात है 2-3 महीने हो गए थे मैं ब्लू की फ़ीमेल और सिल्वर की फ़ीमेल ढूंढ रहा था लेकिन वो अल्लाह ताला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यार ये एक बच्चा जो है ना वो सिल्वर का आ जाएगा। तो प्योर वाइट है ये, देखें आपके सामने ये वाला बेबी प्योर वाइट है, और दोनों वो येलो हैं, कम येलो हैं मिक्स, और ये एक डार्क येलो है। अच्छा तो हुआ क्या कि मैंने कहा यार चलो पूछते हैं, तो दोस्तों ने मुझे बताया कि यार ये सिल्वर का बच्चा है। अब सिल्वर का बच्चा तो ठीक है जी, लेकिन ये आया कैसे, क्योंकि इसके दोनों पेरेंट्स माँ बाप जो है ना वो ये फीमेल है। अच्छा अब मुझे पता चला कि इनके तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन फैक्टर्स को कैसे हमने करना होता है, एक हेड का होता है, एक चेस्ट का होता है और एक बैक का होता है, नॉर्मल यही तीन जो है ना सेक्शंस हमने सिलेक्ट करने होते हैं। अब ये वाली फीमेल, खैर मुझे पता तो था कि ये वाइट हेड टाइप लग रही है, लेकिन इसको जीन्स की टर्म में कहते हैं कि ये है जी ब्लैक हेड फीमेल, ठीक है ब्लैक हेड फीमेल है, और चेस्ट वाइट है और बॉडी येलो है, तो ये वाली फीमेल है। और इसी तरह मेल हमारा रेड हेड मेल है, पर्पल चेस्ट है और येलो इसका कह लो के बॉडी है। अच्छा तो दोस्त ने बोला कि सिल्वर इन्होंने क्यों निकाला है, ये दोनों ही मेल फीमेल ब्लू के स्प्लिट हैं, इसलिए ये सिल्वर निकला है। मैंने कहा यार ये तो चलो ठीक है। फिर उसने मुझे एक साइट रेकमेंड की कि यार उस पर जाके आप खेल सकते हो जीन्स के साथ, जिस तरह हमारा ज़ेब्रा कैलकुलेटर है, हम ज़ेब्रा फिंच को करते हैं, इसी तरह इनकी एक वेबसाइट बनी हुई है, वो वाली वेबसाइट पे जाके आप खेल सकते हो ये दोनों। आप वहाँ से अगर इनको ब्लू के स्प्लिट दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिल्वर कैसे निकला। मैंने कहा चलें ठीक है यार, हम भी चलते हैं और उस वेबसाइट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। चलें दोस्तों मैं भी आप लोगों के साथ अब दोबारा आप लोगों को दिखाने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा निकला सिल्वर। अच्छा मजे की बात है कि ये फीमेल जिस घर से मैं लाया था, सेम एक किसकी बहन है और वो है ये वाली, सेम है वो भी ब्लैक हेड वाइट चेस्ट और येलो बॉडी। बड़ा मैंने कही दिया हुआ इनको, पार्टीशन निकाली हुई है तो थोड़ा सा फुर्तीले हैं माशाल्लाह इधर, तो इसके भी बच्चे स्प्लिट में आना शुरू हो गए। अच्छा अब मुझे यकीन है कि ये वाली फीमेल भी ब्लू की स्प्लिट है, अगर वो वाले ब्लू के स्प्लिट हैं,
लेकिन इसमें ग्रीन नॉर कॉमन का मेल है तो फीमेल जो है वो लटिनो है। तो ये वाले जो ग्रीन मेल निकल रहे हैं ना, ये देखिए बच्चा, ये वाला, ये लाइट ग्रीन निकल रहा है, तो कह रहे हैं डिल्यूट है। और इसको भी हम, इस पेयर को भी जज कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम ब्लू तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब ब्लू बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कह लो कि ग्रीन के बच्चे हैं। और ये इसके अंदर भी, क्योंकि माँ की तरफ से इन बच्चों में तो आया है ना जो स्प्लिट है, माँ अगर ब्लू की स्प्लिट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्प्लिट का है। तो चलें चलते हैं हम अपनी उस एप्लीकेशन पर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं और उस एप्लीकेशन को देखते हुए हम देखते हैं कि हमारा सिल्वर कैसे निकला इस पेयर में से। चलें जी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चलें दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये मैंने वेब ब्राउजर खोल लिया हुआ है और ये मैंने बुकमार्क की हुई है एक अपनी कह लो कि वेबसाइट, ये उन्होंने दोस्त ने शेयर की थी, www.goldianfinch.eu, यूरोप की डोमेन है। और ये आगे जेनेटेक फोरकास्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली हमारे पास वेबसाइट आ गई है। ये आप देख लें, ये वेबसाइट का एड्रेस है। वैसे भी गोल्डियन जेनेटेक कैलकुलेटर आप अगर लिखेंगे गूगल में तो ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एड्स आते हैं नीचे, खैर इनको तो हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो है ना जेनेटिक फोरकास्ट, इस वाले टैब पे आपने ये वाली दो, एक फीमेल की है ये स्क्रीन और इस साइड पे मेल की है। ठीक है, अगर हम सिंपल अपना सिलेक्ट करें, देखें कि ये वाले तीन ही फैक्टर्स हैं जो इन्होंने हमें दिए हुए हैं, इनमें से हेड है, चेस्ट है और हमारी बॉडी है। ठीक है, अब मैं मेल है तो मेल सेक्शन में देखूं तो मेरा मेल रेड हेड है। ठीक है, रेड हेड है और उसकी जो चेस्ट है वो पर्पल है। ठीक है, और उसकी बॉडी येलो है। ठीक है, ये येलो है। ठीक है, अगर हम सिंपल येलो ये होता, ठीक है, तो इस तरह का, ये मेरा मेल है, ठीक है, आपके सामने आ गया, अगर ये इस तरह का होता। ठीक है, और फीमेल हमारी ब्लैक हेड है वाइट में। ठीक है, और चेस्ट उसकी वाइट है। ठीक है, और वो भी येलो बैग है। ठीक है, अब ये है येलो। ये तो था स्नैरियो सिंपल लोटिनो का। ठीक है, अब इसमें स्प्लिट नहीं थे, हम समझते हैं कि स्प्लिट, फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं कि मैं जो समझ रहा था कि यार मेरा सिंपल लोटिनो है और मेरा सिंपल जो है वो ये वाली फीमेल है लोटिनो की, ब्लैक हेड और वाइट चेस्ट में, और मे बी ये येलो सिंगल फैक्टर डिल्यूट कह लें, या मैं तो फिलहाल इसको येलो का मुझे मिल नहीं रहा, तो खैर हम डबल फैक्टर येलो ही है। ठीक है, तो मैं इसके, आपने काउंट पे क्लिक करें ना तो आपको रिजल्ट देगा। ये काउंट पे किया तो देखें हमको येलो बॉडी में ही मिल रहा है। ठीक है, मैं एड्स क्लोज करूंगा तो इसके आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको बता रहा है, देखो ये और ये देखो। ठीक है, तो ये नॉर्मल मेल, 50% मेल निकलेंगे येलो बॉडी में और वो पर्पल और वाइट के कह लो के दोनों के उसके होंगे, चेस्ट का मिक्स होगा और चेस्ट भी उसकी पर्पल और वाइट होगी और रेड हेड होगा और मेल भी रेड हेड होगा। ये तो था नॉर्मल लटिनो कि यार मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला होगा, लेकिन उसने बोला कि यार ये स्प्लिट है आपके ब्लू के भी, मेल भी स्प्लिट है और फीमेल भी हमारी येलो स्प्लिट ब्लू है। ठीक है, तो स्प्लिट है। अब मैं अगर काउंट करता हूं तो आप देखें, ये देखें, समझे आप, अब ये सिल्वर का बच्चा आ रहा है डबल फैक्टर के साथ एक, और अगर फीमेल निकलेगा तो वो भी कह लो सिल्वर की फीमेल निकलेगा। तो यानी सॉरी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम, एक मेल निकल रहा है और एक फीमेल निकल रही है। देखा आपने, तो अब एक बच्चा हमारे पास, तीन हो गए नॉर्मल के, और उसमें भी नॉर्मल जो बच्चे हैं उसमें भी देखें, जो मैं कह रहा हूं ना कि दो, एक तो ये देखो, ये स्प्लिट का ब्लू स्प्लिट ब्लू भी आ रहा है एक और बच्चा, अगर वो मेल निकलता है, और अगर फीमेल निकलती है रेड हेड में तो वो भी ब्लू की स्प्लिट आ रही है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। आगे देखें, सिल्वर भी निकल आया और आगे उसके बच्चों में हमें और भी स्प्लिट ब्लू मिल जाएंगे। तो अब इस पेयर के सारे बच्चे मैं सोच रहा हूं कि रोकूं, इसके बच्चे सेल नहीं करने। ये वाला पेयर जो है ना, इसमें से हमने जब तक ब्लू नहीं बनाया और हमने इसके अंदर कह लो के बनाना है, सिल्वर तो आ गया। ठीक है, अब ब्लू बनाएंगे इंशाल्लाह, एक दो क्लच और में भी कोई एक आधा बच्चा निकल आएगा सिल्वर, अगर चारों अंडे फर्टाइल हुए। एक्चुअली पहले दो मैंने इसके बच्चे बेच दिए, एक वो भी वाइट वाइट था
लेकिन अब मुझे फुल आइडिया नहीं है, वो बेचती है मुझे, तब मैं यार लुटीनो है सारे है, तो उसमें मैंने कहा चलो। लेकिन अब मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो बड़ा कह लो कि पेड़ बड़ा मजे का, तो ये वाला सीन है। अच्छा एक तो ये वाला पेड़ है हमारे पास जिसके बच्चे ये निकल रहे हैं, अच्छा दूसरा दूसरा पेड़ जो है ना वो मैं जिसकी इसकी सिस्टर वाला, वो भी सेम है, दोनों सेम है, वो है ब्लैक हेड फीमेल, चेस्ट उसकी भी वाइट है ठीक है, और वो भी येलो बैक और स्प्लिट है ब्लू की, क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा अब ये वाला आ गया हमारा जो रेड हेड है मेल वहां पे जो मेरा घर का पट्टा लगा हुआ है, और पर्पल उसकी चेस्ट है ठीक, पर्पल उसकी चेस्ट है और बॉडी उसकी ग्रीन है ठीक है, ये हो गया उसकी बॉडी ग्रीन सही है। तो जी तो ये वाला हमारा सेकंड पेयर है ठीक है, और मैं समझता हूं कि ये सिंपल है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि इसका बाप भी पहले बाहर से ही आया हुआ है, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अच्छा ये वाला जो है ना रेड हेड पर्पल और ये मेरा घर का पट्टा था बिल्कुल ठीक है, अच्छा इसको हम ले लेते हैं स्प्लिट ब्लू, ये सेकंड पेयर है, मैं काउंट करता हूं ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास एक येलो कह लो के डिल्यूट और स्प्लिट ब्लू आ रहा है ठीक है, हम थर्ड पे इसमें जाके अब इन दो पेयर्स के बच्चों को मिला के देखते हैं कि हमें ब्लू मिलता है कि नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पहला ये पहला वाला है इसके इसमें से हम उठा लेते हैं फीमेल, फॉर एग्जाम्पल ये रेड हेड पर्पल वाइट और येलो ब्लू की स्प्लिट, ये फीमेल ले लेते हैं जो बच्चों में से निकलती है हमारे लुटीनो वाले से। अच्छा जी रेड हेड आप देखते हैं वो रेड हेड बिल्कुल रेड हेड ठीक है, फीमेल रेड हेड और पर्पल वाइट मिक्स होगी बाप और मां की तरफ से, और ये है येलो की स्प्लिट ठीक है, हमने ये वाली फीमेल उठाई है, ये वाली फीमेल ठीक है, येलो स्प्लिट ये वाली फीमेल इस लुटीनो के पैर से जो बच्चा निकला है फीमेल ये उठा ली ठीक है, और मेल हम उठा लेते हैं इधर से ये ऊपर वाला रेड हेड ब्लैक हेड पर्पल वाइट येलो सिंगल फैक्टर डिल्यूट स्प्लिट ब्लू ठीक है, ये आ गया जी रेड हेड ब्लैक हेड और ये पर्पल वाइट मिक्स क्योंकि मां की तरफ से और बाप की तरफ से मिक्स हुआ है, और ये येलो सिंगल फैक्टर डिल्यूट स्प्लिट ब्लू ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आ गया पेयर बच्चों में से, दो पेयर्स में से ये बच्चों, अब इसके काउंट में देखें जाके हमें ब्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्लिक ये देखें, ओह माय गॉड कितने ऑप्शंस हैं, इतने ज्यादा परसेंटेज है कोई पता नहीं कौन सा निकला है, ये देखें ये ब्लू निकल रहे हैं, पहले मेल में पास्टल पास्टल ब्लू सिंगल फैक्टर पास्टल ब्लू सिंगल फैक्टर, आगे फिर डिल्यूट्स आ रहे हैं, फिर सिल्वर्स भी आ रहे हैं। तो इसके बच्चे और लटीनों के ये दो पेयर्स हैं, इनके बच्चों को मैं अब नहीं सेल करूंगा, इनको हम होल्ड करेंगे, ये दोनों के बच्चे अभी आ गए ऑलरेडी, मैंने 8 बच्चे तो ये स्प्लिट वाले के जो थे लुटीनो स्प्लिट वाले ये बच्चे डाल दिए हमने उसके अंदर केज में, और माशाल्लाह इसके 4 जिसमें से एक सिल्वर और 3 तो दूसरे हैं, उसमें से एक तो डिल्यूट हो गई होगा, 2 डिल्यूट बल्कि निकले, एक मेल एक फीमेल है और एक नॉर्मल डबल फैक्टर येलो है जो ज्यादा येलो नजर आ रहा है। तो इन दोनों के बच्चों की पेयरिंग के आगे जाके हमें ब्लू और सिल्वर दोनों उनमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एज पर दे इस वेबसाइट के मैं तो यही समझाऊं जेनेटिक्स और फोरकास्ट से कि यार ये जो है ना हो सकता है, और हमने देखा भी कि ये वाला जो हमारा लुटीनो का है 2 है इसके अंदर भी हमने देखा, तो हमें सिल्वर का बच्चा आया तो हमें पता चला यार ये स्प्लिट है दोनों, और दोस्त मेरे ने जब बताया कि यार ये दोनों स्प्लिट है माँ बाप, तो इस वजह से सिल्वर निकला है, ब्लू के स्प्लिट है तो सिल्वर निकलता है ठीक है। तो ये वाला मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त हो गया, तो ये एप्लीकेशन के मुताबिक भी बिल्कुल ठीक है, यही है कि ये दोनों उसके हैं। तो चलें दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, अब हम गोल्डियन पर भी वर्क करना शुरू कर देंगे, इसकी म्यूटेशन पर भी, और इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से इसको लेके चलेंगे, और कुछ नहीं मैं छुपाऊंगा अपने दोस्तों से, जो मैं सीखूंगा जो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह सारा आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, और आप लोग इंशाल्लाह उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और जो गोल्डियन में आना चाह रहे हैं मेरे दोस्त उनको भी अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल मैंने 1 लगाया था पेयर, इस दफ़ा हमने कह लो कि 2, 1 से 5 पेयर बनाए थे, तो वो माशाल्लाह, और फीमेल ने हमने लुटीनो की ऐड की थी और एक लुटीनो का मेल ऐड किया था, तो लकीली उस दोनों स्प्लिट निकले ब्लू के,
चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।